हेलो बडीज, मैं मिस्टर रिक। अपना गेम है इनटू द डेड का पार्ट सेकंड, जिसमें हम चैप्टर वन की लेवल वन खेल रहे हैं। अपने गेम का हीरो, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ, वो अपनी फैमिली से पिछड़ गया है और इस बेचारे का नाम जेम्स भैया है। इसकी फैमिली में इसकी एक सुंदर सुशील पत्नी भी है, जिसका नाम हेलन डार्लिंग है। अब सुनो, ये डार्लिंग मैंने अपने हिसाब से रखा है, बाकी नाम तो इसका हेलन ही है। फिर इसकी एक बेटी है, जिसकी उम्र मैं तुमको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। तुम लोग वरना अपना रिश्ता लेकर जेम्स भैया के पास पहुंच जाओगे। खैर, उनकी बेटी का नाम मैगी है, जिसको बनाने में 9 महीने लगे हैं। तुम जो 2 मिनट में मैगी बनाते हो ना, वो वाली मैगी नहीं है ये। अब गेम के हीरो को मैं किसी भी कंडीशन में उसकी फैमिली तक पहुँचा के रहूँगा। अब तुम्हारे भाई के पास 2 गन है ना, उसका एमओ ये ग्रीन वाले ड्रॉप से मिलता है। बाकी हमें कुछ नहीं करना है, ज़ोंबी से बचना है और दिया गया डिस्टेंस कवर करना है, ताकि अपना हीरो जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली से मिल सके। यहीं पर अपना लेवल 1 कंप्लीट होता है। अब अपनी हेलन डार्लिंग का कॉल आता है। बोलती है, तुम कैसे हो? जेम्स भैया बोलते हैं, मैं अच्छा हूँ। फिर डार्लिंग बोलती है, मैं और बच्ची ठीक है। भैया बोलते हैं, तुम वहीं सेफ रहना, मैं आता हूँ जल्दी से वहाँ। बाकी जेम्स भैया डरे हुए हैं, क्योंकि सब जगह ज़ोंबीज फैले हुए हैं। लेकिन टेंशन नॉट, मैं बचाऊंगा जेम्स भैया को। अब चलते हैं पार्ट 2 में और बचाते हैं अपने जेम्स भैया को। अपनी लेवल 1 यहाँ पर कंप्लीट। अब अपन चलते हैं लेवल 2 के अंदर। गन रिलोड करते हैं और चलो ज़ोंबीज मारने और जेम्स भैया को घर पहुँचाते हैं। अब देखो, तुमने नोटिस किया होगा, जेम्स भैया के आगे है ना एक कुत्ता जा रहा है। ये तो गेम वालों ने हमें पेट बोल कर दिया है, जिसका हम नामकरण भी कर सकते हैं। मैंने तो उस कुत्ते को अपनी बहन का नाम दे दिया है। तुम भी खेलो और कुत्ते का नामकरण करके मुझे कमेंट में बताओ, तुमने कुत्ते को किसका नाम दिया है। ये कुत्ता ना बड़ा काम का है, खूब हेल्प करता है। जेम्स भैया को उसके घर पहुंचाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। खैर, ज़ोंबीज इतने हो गए हैं कि देखने में इतना मज़ा आ रहा है, मन कर रहा है गेम के अंदर घुस के सबको, सालों को उड़ा दूँ। एमओ भी इतना कम दिया है सालों ने गन में, कि सबको एक साथ मार भी नहीं सकते। ये देखो, मेरे सामने ज़ोंबीज आ रहा है, इतने प्यार और आराम से आ रहा है, जैसे मैं उसका बाप उसको सुनसान सड़क पे 2-4 साल बाद मिल गया हूँ। अब इसको देखो, साला गन के एमओ के पास रखवाली कर रहा है, मेरे कुत्ता ही का पिता। चलो ये भी मरा, ज़्यादा दूर नहीं हूँ मैं अपनी मंजिल से, सेफ 200 फीट और बचा हुआ है। ये ज़ोंबीज साले इतने फटाफट आ रहे हैं, लेकिन टेंशन नॉट, गन में एमओ है और मैं जो मार रहा हूँ वो सिर्फ डेमो है। क्या बोला मैं? टेंशन नॉट, गन में एमओ है और मैं जो मार रहा हूँ वो सिर्फ डेमो है। वाह 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 वाह, क्या शायरी है। यहीं पर मेरे और मेरे कुत्ते का लेवल 2 का सफ़र कंप्लीट होता है। हेलन डार्लिंग का कॉल आता है, कहती है मैं और बच्ची बिल्कुल ठीक है। वहीं पर जेम्स भैया बोलते हैं कि मैं बहुत जल्द तुम्हारे पास आने वाला हूँ। इसी के साथ अपना लेवल 3 चालू करते हैं। दोनों गन रिलोड करता हूँ मैं, उसके साथ अपने कुत्ते को भी रेडी करता हूँ और चलो। ओफो, जेम्स भैया को घर पहुंचाना इतना आसान नहीं है। मुझे लगता था 2-3 लेवल में जेम्स भैया अपनी फैमिली के साथ होंगे, लेकिन ये तो मुसीबत बनता जा रहा है। लेकिन मैं फिर भी इसको इसके परिवार से मिलवा कर रहूँगा। खैर, सच बोलूँ तो सबका अपना अपना स्वार्थ होता है। जेम्स भैया अपनी ऐसी तैसी करा है, मुझको उनकी हेलन डार्लिंग से मिलने का है। चाहे मुझे जो करना पड़े मैं करूँगा। जेम्स भैया को उसके घर तक तो मैं पहुँचा कर ही दम लूँगा। धीरे धीरे ज़ोंबीज की तादाद है ना, वो बढ़ती जा रही है। डर इस बात का लग रहा है मुझे कि जेम्स भैया को घर पहुंचाने के चक्कर में मैं ऊपर ना पहुंच जाऊं, क्योंकि गेम का म्यूजिक और ज़ोंबीज साला इतना डरावना है। अभी भी रात के 2 बज रहे हैं जब मैं ये गेम खेल रहा हूं, तो डर तो लग रहा है यार भाई। अभी आवाज़ कैसी है? ओ भाई साहब, आसमान से और स्ट्राइक हो रही है। भाई साहब, जेम्स से ज़्यादा डर तो मुझे लग रहा है। खैर छोड़ो, मुझे अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। तुम देख रहे हो, मैंने करियर सेट करने के लिए मंजिल पर ध्यान नहीं दिया। अब हेलन डार्लिंग से मिलना है तो मंजिल पर ध्यान और यकीन करने लग गया हूँ। हम लड़के इतने ठरकी होते हैं कि छोड़ो यार, अब क्या बताऊँ। मुझे तो लगता है ये जेम्स भी ठरकी है, साला हेलन के पास उलाला उलाला करने के लिए जा रहा है। खैर, अपना हीरो थक गया है और इस लेवल का ये आखिरी ज़ोंबीज भी मैंने मार दिया। यहीं पर लेवल 3 ख़त्म होता है। हेलन डार्लिंग को जेम्स भैया कॉल करते हैं और पूछते हैं, सब सही चल रहा है क्या? तुम ज़ोंबीज को रोक कर रखना, मैं बस रास्ते में हूँ, दौड़ कर आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करना और अपनी बेटी मैगी का ध्यान रखना। साथ में पापा को बोलना वो तुम दोनों का ध्यान रखे। और लेवल 3 कंप्लीट। यहाँ पर लेवल 4 चालू करते हैं अपन। अपनी दोनों गन्स को अपन इक्विप करते हैं और अपने कुत्ते को तैयार करके गेम चालू करते हैं। अब सुनो,
भाई धीरे धीरे डिस्टेंस है ना वो ज्यादा होता जा रहा है। मैं अब वो टेंशन में आ गया हूँ कि इस जेम्स को कैसे पहुँचाऊँ उसके घर। वापिस जोम्बिस आ गए हैं भाई भाई, मेरे शूट करने से पहले मेरे कुत्ते ने अटैक कर दिया। वाह वाह देख कर मजा आ गया, बस कुत्ते ने उसका काम किया, अब मैं अपनी गन से इन जोम्बिस की बारा बजाऊंगा। एक सेकेंड, ये क्या है भाई साहब, हेलीकॉप्टर पर जोम्बिस लटके हुए? सीरियसली गेम के ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, म्यूजिक भी एक नंबर है, और इतना सब एक नंबर है तो गेम भी एक नंबर है भाई। और भगवान से मेरी एक ही दुआ है कि अपने हेलन डालेंगे ना वो भी एक नंबर हो, वरना फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा यार, क्योंकि उसके लिए तो मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना तुम? जगह जगह पर गाड़ियाँ पड़ी है, मुझे समझ नहीं आया इतने बड़े जंगल में इतनी गाड़ियाँ लाया कौन, और ये जेम्स गधा थोड़ा दिमाग लगाए और गाड़ी में बैठ जाए तो अपनी फैमिली के पास जल्दी पहुंच जाएगा। अरे रुको रुको, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये चाहता ही नहीं है अपनी बीवी के पास जाना? क्या पता उसकी बीवी उससे ज्यादा काम कराती होगी, बेचारे को अपने कंट्रोल में रखती होगी। खैर कुछ भी हो सकता है, हमें क्या, हम फिर भी इसको सही सलामत इसके घर पहुँचाएंगे। साला ये जोम्बीज भी पहले एक एक करके आते थे, अब साले तीन तीन चार चार साथ में आ रहे हैं, जैसे इनके अब्बा मुफ्त में 4 लीटर पेट्रोल बांट के गए हो मुझे। भाई गाड़ियां तो ठीक, लेकिन हेलीकॉप्टर भी ब्लास्ट हुए पड़े हैं, साले इन जोम्बियों ने नाक में दम करके रखा है, कितना मारूं यार इनको। हर लेवल में अपनी गंदी शकल उठाकर आ जाते हैं मरने के लिए, एटलीस्ट शकल को तो थोड़ी बदले, लेकिन छोड़ो मैं बस पहुंचने वाला हूं। और ये लो अपनी लेवर भी कंप्लीट हो गई है। अपने हीरो हेलन को कॉल करता है और बोलता है कैसे हो, वो बोलती है बहुत सारे जोम्बीज हैं यहाँ, उन्होंने हमें घेर लिया है और तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। अपना हीरो वही सेम लाइन जो पिछले 3 लेवल में बोल रहा है फिर बोलता है मैं जल्दी पहुँचने वाला हूँ। जल्दी से लेवल 5 को अपन चालू करते हैं, सीट की पेटियां बांध लो, मौसम बदलने वाला है। अपनी गन्स और कुत्ते को रेडी किया मैंने यहाँ पर, देखो बेचारा जेम्स और मैं दोनों पागल हो गए हैं, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने घर कब पहुंचेगा। इस बार तो मौसम बदल गया है, बारिश हो रही है, ऊपर से बिजली भी गिरे जा रही है, ज़ॉम्बी साले जमीन खोद कर निकलना चालू हो गए हैं। पिछले 4 लेवल से हम जंगल वाले रास्ते से जा रहे थे ताकि घर जल्दी पहुंचे, लेकिन इस बार तो हम रोड से जा रहे हैं। ये अपना जेम्स भी है ना साला बौखला गया है, साले को जल्दी घर पहुंचने का शॉर्टकट भी नहीं पता है। खैर कुछ भी बोलो, गेम और इसकी स्टोरी है ना वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सब अच्छे से समझ आ रहा है कि करने का क्या है। जेम्स को बचाना है क्योंकि उसको उसके घर पहुंचाना है, क्योंकि उसकी फैमिली भी तो ज़ॉम्बीज के बीच फंस गई है ना। ये देखो कितने सारे ज़ॉम्बीज है, लगता है हमारा इंतजार कर रहे थे। खैर हम चीज भी ऐसी है, इंतजार करना तो बनता है। ओ भाई पहले 1 शॉट में ज़ॉम्बीज मर रहे थे, अब 2 शॉट मारने पड़ रहे हैं, ये तो खूब नाइंसाफी है, क्योंकि गन में एमओ तो तुम 10 देते हो, ऊपर से 1 ज़ॉम्बीज पर 2 एमओ वेस्ट करूंगा भाई तो बचेगा क्या मेरे पास। एक काम करो, जेम्स भैया को तुम नंगा छोड़ दो ताकि उसको और हमें समझ आए। बाकी ये शॉट गन बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे एक साथ 2 या 3 ज़ॉम्बीज तो इजीली मर जाते हैं। अब देखो सड़क टूटी पड़ी है, ऊपर से खून से लथपथ है, इन ज़ॉम्बीज ने इतने सारे मासूमों की जान ली है कि क्या बताएं यार, और इतनी फटी पड़ी है समझ नहीं आ रहा इतने ज़ॉम्बीज को मारे कैसे। ओ भाई इतने सारे ज़ॉम्बीज एक साथ, इसकी माँ का साकी ना का, आगे और ज़ॉम्बीज इनको मारना कैसे रहा? अच्छा ये मशीन गन है ना, इससे मारते हैं। भाई साहब रोकी भैया की आत्मा आ गई है भाई जेम्स के अंदर, रोकी भैया से मिलकर मजा आ गया। रोकी भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं यार, जल्दी से अपनी KGF Chapter 3 लेकर आ जाओ यार, मैं अपने साथ इन जेम्स भैया को भी पक्का लेकर आऊँगा। चलो अब आगे चलते हैं, ये साला रोड के बीच में इतना बड़ा खड्डा किसने किया? जिसने भी किया साला वो नरक के अंदर जाएगा, मरेगा सा। एक मिनट, ज़ॉम्बीज है मरने के बाद साले नरक में जाएंगे या स्वर्ग में जाएंगे, तुम मुझे कमेंट करके बताओ। भाई जिसको जा मरना है मरे, मुझको अपनी हेलन डार्लिंग के पास पहुंचा दो, बेचारी मेरे बिना कैसे जिएगी। खैर मरे तो मैं जा रहा हूँ, ब्ला 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 जो भी हो यार जाने दो। अब हम रोड के रास्ते से जंगल के रास्ते पे फिर आ गए, मुझे लग रहा है हम बस जल्दी ही हेलन डार्लिंग से मिलने वाले हैं। 200 फीट का रास्ता बचा है, भगवान इस बार अपनी हेलन डार्लिंग से मिलवा देना मुझको प्लीज यार। ए कुत्ते मेरे पीछे दौड़, आगे नहीं तुझसे पहले मिलूंगा मैं अपनी हेलन डार्लिंग से, सुन नहीं रहा है मेरे पीछे? साले का अगले गेम में मर्डर कर दूंगा, उसका कैसा कुत्ता है जो मेरी सुन ही नहीं रहा है। ये लो हमारा लेवल 5 यहाँ पर कंप्लीट होता है, लेकिन पेंचो हेलन डार्लिंग अभी भी नहीं है, सिर्फ कॉल आ गया है, बोल रही है हम खतरे में हैं, उसके घर के दरवाजे और खिड़कियां ज़ॉम्बीज तोड़ रहे हैं, चिल्ला रही है डेड और जेम्स अब दुखी है और जल्दी से उसको घर जाना है। बेचारा रो रहा है क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो करे तो करे क्या, इंग्लिश में एक गाली देता है फक,
भाई किसी गाली दे रहा है यार, फिर फोन कट हो जाता है। अब मैं भी दुखी हूँ और चाहता हूँ जेम्स भैया जल्दी घर पहुँचे यार। मैं इसको किसी ना किसी करके इसके घर पहुँचा कर ही मानूंगा। अपनी सिर्फ फाइनल लेवल बची हुई है, मैं फटाफट से गन दोनों को रिलोड करता हूँ और अपने कुत्ते को बोलता हूँ चल मेरे साथ। अब लेवल 5 कंप्लीट की है तो मुझे एक नई गन मिली है, सोचा अच्छी होगी और चलाऊंगा। एक शॉट में ज़ॉम्बीज भी मर जाएंगे, लेकिन देखो एक टैप पर 3 MO वेस्ट हो रहा है। भाई ये गेम मेकर हमें हर गेम में किसी ना किसी प्रकार से चूतिया बना ही देते हैं। हमें लगता है गेम का ये पार्ट अच्छा होगा, लेकिन गेम में वही पार्ट सबसे घटिया होता है। अब यहाँ पर देखो मेरी दोनों गन का एमओ खत्म हो गया है। जिंदगी के साथ साथ गेम में भी दिवाला निकल गया तुम्हारे भाई का। खैर जाने दो, मेरे पास 3 ग्रेनेड है, उससे काम चला लूंगा। अब मैं एमओ वाली ग्रीन पेटी की तलाश में हूँ। अच्छा वो रही सामने, चलो लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एमओ लेता हूँ। अब मेरी गन के अंदर पूरा 50 MO आ गया है। जब मेरे पास पिस्तौल थी उसमें मेरे को 10 MO मिलता था तो मुझे वो इतना ज़्यादा लगता था, तो अब तो मेरे पास 50 MO है। मेरे को तो ऐसा फील हो रहा है जैसे होली पर मुझको दिवाली बोनस मिल गया हो। खैर अब मैं अपनी हेलन डार्लिंग से दूर नहीं, वैसे भी ये चैप्टर 1 की फाइनल लेवल है तो इस बार तो मुझे मेरी हेलन डार्लिंग मिल ही जाएगी। बस कुछ मिनटों का फासला और बचा है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे मैं उसके पिछले जन्म का सौतेला पति हूँ, क्योंकि जेम से ज्यादा तो भाई उसको मेरी पड़ी है यार। जो भी हो मैं हेलन डार्लिंग से मिलकर रहूंगा। वैसे भी ये ज़ॉम्बीज मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते, समझ रहे हो ना, इनकी औकात नहीं कुछ उखाड़ ले। ओ भाई ओ, मैं तो मजाक कर रहा था यार, ये ज़ॉम्बीज भी इतने जल्दी सीरियस हो गया यार। मेरा चाकू कहाँ है? अबे मर जा। ओके फाइनली इसको भी मार दिया। साले ये ज़ॉम्बीज भी मेरे मन की बात सुन लेते हैं, फिर मेरी बातों को अपने दिल पर ले लेते हैं। मैं चैप्टर 1 कंप्लीट करने की खुशी में एक शायरी सुनाता हूँ। इस गेम के हीरो की हीरोइन है हमारी प्यारी हेलन। इस गेम के हीरो की हीरोइन है हमारी प्यारी हेलन, और शादीशुदा आदमी ने ये गेम खेला तो उसकी बीबी के हाथों उसको पड़ेंगे बेलन। वाह 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 वाह, शायरी कैसी लगी मुझको कमेंट करके बताओ। सुनो गेम बहुत बढ़िया है, तुम अगर फ्री हो और बोर हो रहे हो तो ये गेम ज़रूर खेलो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ये वीडियो मैं 2 बजे बना रहा हूँ भाई, खूब मेहनत लगती है। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छा लगे, एंटरटेनिंग लगे, तो प्लीज़ शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो। मुझको भी थोड़ा ऐसा लगेगा मुझे और बनाने चाहिए। ओ भाई ओ रुको भाई रुको, गेम बचा है यार अभी, तो देख लो थोड़ा और वीडियो है मेरा यार। अब देखो मेरा कुत्ता नहीं है साला हरामखोर, वो कब से आगे जा रहा है, उसको मुझसे ज़्यादा हेलन डार्लिंग से मिलने का है। भाई कुत्ते मेरे रुक जाए यार, अपन दोनों साथ मिलेंगे, बस पहले मेरे को मिल लेने देना, मिल लेने देना यार भाई, बस मान ही नहीं रहा साला। अब सुनो हेलन डार्लिंग का कॉल आता है, वो रो रही है। अपने जेम्स भैया बार बार पूछते हैं कि क्या हुआ बताओ मुझे, लेकिन वो इतना डरी हुई है और इतना रो रही है कि बता नहीं पा रही है। लेकिन वो बोलती है कि अपने डैड है ना, वो ज़ॉम्बीज बन गए थे और मैगी को मारने आए थे तो मैंने उन्हें शूट कर दिया। अब जेम्स भैया के हाथ कांपने लगे हैं, घबराया हुआ है वो। हेलन ज़ोर ज़ोर से रो रही है क्योंकि उसके डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे और अपना हीरो जेम्स अभी भी हेलन से काफ़ी दूर है। मुझे पता नहीं हेलन और जेम्स एक साथ कब मिलेंगे, लेकिन मैं तुमको चैप्टर 2 में ज़रूर मिलूंगा। उसके बाद अपना जेम्स जैसे जैसे थोड़ा आगे जाता है, उसको वहाँ दिखती है ट्रेन, आग लगी हुई है, ट्रेन तहस नहस हो गई है, और क्या विजुअल्स है भाई, पसंद आ गया मुझको। चलो अब मैं तुमसे अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं चैप्टर 2 के अंदर, और इंतज़ार करो मेरा तुम यार।